एल्डिहाइड और कीटोन जो है अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट कितने शेयर कर बैठी मैं? चार 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 ना। हाँ, आज नहीं मिलेगा तुम्हें कोई असाइनमेंट, क्योंकि आज जो कराऊंगी ना उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हुए। तो मैं एक काम करूंगी, जब ईथर कंप्लीट हो जाएगा कल, वो सारा मैं एक ज्यादा क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चंस का बना के दे दूंगी। सर टोटल 5 असाइनमेंट हो जाएंगे तुम्हारे पास इसके। ठीक है, यस यस मैम। मैम, हाँ जी स्नेह मैम, कुछ हुआ? आवाज नहीं आ, आप म्यूट पे हो। अच्छा नहीं मैम, मैं बच्चों को क्लास में देख रही थी। आज 31 आ गए हैं क्लास में। कल मैम इस टाइम पे ज्वाइन किया, 5 बच्चे बैठे हुए थे क्लास में। अच्छा तो हाँ, बेटा एक सबको ऐसे ही रेगुलर आना है, ठीक है? ये हाँ, नहीं होना इनके चाहिए कि हमेशा भी हमें चल ही रहे थे बैठना पड़े। ना, इनके एग्जाम भी हाँ चल रहे थे मैम, ना मैं इसलिए। बाकी बच्चों को बोल देती हूँ। अच्छा हाँ जी चलो ठीक है बेटा, प्लीज सब ऐसे ही टाइमली ज्वाइन किया करो, टाइम से, बल्कि टाइम से पहले। ये जो 5 बच्चे नहीं आए ना, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू मैम, यू कैन कंटिन्यू योर क्लास। मॉर्निंग मैम। थैंक्स अ लॉट, गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है, हटा देती हूँ इसको। ठीक है, तो आज बेसिकली ना, एक तो कुछ इम्पोर्टेंट अपने टेस्ट थे अल्कोहल फिनोल के, याद है, रह गया था वो। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल फिनोल की, ये मुझे बताना है, ये एनसीईआरटी में से ही करवाऊंगी मैं। ठीक है, और आज अपना ईथर अपन स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा, आई गेस 8:30 से पहले अपनी क्लास आज ओवर हो जाएगी, तो जल्दी छोड़ दूंगी तुम्हें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो जो मैं बोल रही हूँ, अब तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इतना तुम ऑर्गेनिक सीख गए हो कि तुम जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, लाइन बाय लाइन वो तुम्हें समझ आने लगेंगी। अब चीजें ऐसा नहीं लगेगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तुम पढ़ सकते हो और पढ़ना भी है, गेटिंग माई पॉइंट। अब उसके अलावा ना, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि जो आपकी एनसीईआरटी में लास्ट पेज है ना, इसके ऑर्गेनिक वाले चैप्टर के लास्ट पेजेस हैं, उसमें ना यूजेस वगैरह दे रखे होते हैं। जैसे आप लोगों का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में एक छोटा सा टॉपिक है, पोली हेलोजन कंपाउंड्स, पता है, देखा है किसी ने? यस मैम। यस हाँ, मैम। नहीं देखा तो देखना, पोली हेलोजन कंपाउंड करके एक टॉपिक है, वो मैंने नहीं करवाया तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें खुद से रीड करना है। पता नहीं उस क्लास में बोला था, इस क्लास में, वो रीड करना है तुम्हें, बस रटना नहीं है उसको, क्योंकि चांसेस कम रहते हैं वहां से क्वेश्चन आने के। रीड करना है तुम्हें, जैसे यूजेस हो गए वो रीड करना है। ठीक है, एक तो ये चीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है तुम्हारी एनसीईआरटी में, हालांकि इस चैप्टर की तो मैं करा दूंगी, बट अगर मान लो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में भी शायद मैंने कराया था, बट अगर स्किप हो गई ना तो आप वो रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे? क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, वहां से असर्शन रीजन बना देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी से जो पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो असर्शन रीजन वाले बनते हैं। ठीक है, तो तुम्हें उसको पढ़ना है, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे छोटी छोटी चीजें करने में, इसको निपटा दिया करो। अगर मान लो एल्कोहल फिनोल तुमने सारा मुझसे पढ़ लिया, ये छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, तो इसको प्लीज कवर कर लेना, है ना। और स्टार्टिंग में तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल बनी होती है, अगर तुमने देखा हो वहां पे उनके आईयूपीएसी नेमिंग लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग होते हैं। ठीक है, जैसे याद करो मैंने तुम्हें बताया था, कौन कौन से बताए थे मैंने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिसोर्सिनोल, कैटिकोल, ये सब बताया था ना मैंने, तुमने देखा भी होगा, असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि बेंजीन वन बिल्कुल टू डायोल को क्या बोलते हैं, वो जेई 2024 में आया था क्वेश्चन। अब किसी ने मान लो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगा लिए, वो बेसिक चीज ही वही नहीं देख के गया एनसीईआरटी से, तो गए ना उसके 4 नंबर पाने में। तो इसलिए बोला है मैंने, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, असाइनमेंट कर लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो पढ़नी है तुम लोगों। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज ना छोटी छोटी, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये बताओ, हम लास्ट टाइम कर क्या रहे थे, मैं तो भूल गई, बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे। हाँ, मैम, एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी, एसिडिफिकेशन, एसिडिटी ऑफ फिनोल किया था, ओ कॉल्बी वाली रिएक्शन करी थी हमने, कॉल्बी वाली रिएक्शन एरोमेटिक वाले दिन सब्स्टिट्यूशन। किया था। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अपना मेन था।
है ना, याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैं एक बार याद करा देती हूँ। अपने क्या था, अपने याद करो क्या किया था, फिनोल लिया था, फिनोल की रिएक्शन से देख रहे थे, तो मैंने सबसे पहले डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, याद करो। तो हमें क्या मिल रहा था, फटाफट आओ, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल मिल रहा था, है ना। फिर हमने क्या चेक किया कि ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल में से मेजर कौन सा, तो ऑर्थो वाला था ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से था। फिर उसमें हमने तीन चीजें देखी थी, एक तो हमने उसका वो देखा था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर, तीनों में कौन जीत गया था, पैरानाइट्रोफिनोल जीत गया था। Getting my point? Yes, para जीत गया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है तो अगर आप फिनोल की डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, याद है, तो आपको पिक्रिक एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में आपको बेंजोक्विनोन भी मिलेगा, है ना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फिनोल का कुछ अमाउंट बेंजोक्विनोन में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से पिक्रिक एसिड की यील्ड क्या थी, कम आ रही थी, है ना। फिर हमने क्या किया था, अच्छा मेथड क्या था कि पहले आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे सल्फोनिक ग्रुप मिल जाएंगे, अब उनके आने से इलेक्ट्रोडेंसिटी कम हो जाएगी बेंजीन रिंग पे, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर आप क्या कराओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 हीटिंग करा देना थोड़ी सी, तो आपको वहां पे पिक्रिक एसिड अच्छा खासा गिल्ड में मिल जाएगा। उसके अलावा हमने देखा था कि फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन फिनोल देता तो है लेकिन इतनी अच्छी यील्ड नहीं देता, क्योंकि कुछ फिनोल का अमाउंट किसमें चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है वो एल्यूमिनियम के वेकेंट प्योर बाइटल में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो थोड़ा सा वो भी बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा यील्ड कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, बताओ, ब्रोमिनेशन और सल्फोनेशन, हाँ ये भी किया था, अगर आप फिनोल की ब्रोमिनेशन कराते हो एक्वस मीडियम में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो उससे आपको 2,4,6-ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जबकि अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक या नॉन लेस पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट में, तो इन दैट केस ऑर्थो और पैरा मिलता है, पैरा वाला मेजर होता है ना। और हमने और क्या किया था, हाँ, अगर फिनोल को डायरेक्ट आपको बेंजीन में चेंज करना हो तो जिंक डस्ट, बेंजोक्विनोन में करना हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, यस, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। और एसिडिटी फिनोल की हमने, मतलब जो भी फिनोल वाले क्वेश्चंस थे एसिडिटी वाले, वो डिस्कस किए थे, तो मोटा मोटी बातें यही की थी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम डिस्टिंग्विश टेस्ट पे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, हाँ, कपलिंग रिएक्शन भी कराई थी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट पे। अब डिस्टिंग्विश टेस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकास टेस्ट, मतलब मैंने करा दिया, मैं इसको करा नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ ऐसा कुछ कराया था मैंने। तो ल्यूकास टेस्ट में जो हमारा ल्यूकास रिएजेंट था वो क्या था, हमारा कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड था, जो कि लुईस एसिड और कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। आराम आराम से करते हैं क्योंकि हो जाएगा आज जितना सोचा है ना। तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी आती ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे, आती है तो हाई टेम्परेचर पे आती है, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल में हमने देखा था टर्बिडिटी कुछ मिनट्स बाद आएगी, और टर्शरी अल्कोहल या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका कंपाउंड है जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो वो भी टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स आपको दे देता है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास टेस्ट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी, आया था क्या, हाँ ये आता रहता है, मैं कह तो रही हूँ बोर्ड्स में भी आएगा, मैं सच में बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री की टीचर हूँ, केमिस्ट्री में ना सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड्स में, आज अब नहीं आ रहे, मेरे टाइम के ही आते हैं, ठीक है। जब अगर तुम लोग, मैं अपना पेपर अगर याद करूँ ना, तो मेरे में भी यही क्वेश्चन आते थे, ल्यूकास रिएजेंट हो गया, रीमर टीमन मेरे में भी आई थी, अब तुम में से शायद किसी ने मुझे बताया था रीमर टीमन आई थी, yes, तो मेरे टाइम में ही आई थी, बोर्ड से मुझे अभी तक याद है। तो वो सिलेक्टेड रहते हैं टॉपिक्स केमिस्ट्री में, इसीलिए केमिस्ट्री का बोला जाता है थोड़ा सा सही रहता है पेपर बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन। ये भी आया था कि एराइल हैलाइड जो है वो SN1 क्यों नहीं देते, हाँ लिख दिया होगा तुमने, यस मैम, बहुत इजी आया था, ठीक है, टेस्ट भी आए थे, चलो सही है। हाँ, तो मतलब बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास टेस्ट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। उसके अलावा हमने
विक्टर मेयर टेस्ट किया था? यस मैम। विक्टर मेयर टेस्ट में मैंने कहा था आरबीसी से, आरबीसी से याद रखना, ठीक है? आरसी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मैं करा देती आरसीबी, लेकिन फिर वो उल्टा पड़ जाता है, इसलिए आरबीसी से याद कर लो, बायो के बच्चे हो तो, ठीक है? रेड ब्लू कलर लेस, ठीक है? तो रेड मतलब आपका अगर प्राइमरी एल्कोहल होगा तो रेड आएगा, और अगर सेकेंडरी होगा तो ब्लू आएगा, टर्शियरी होगा कलरलेस, यानी कि विक्टर मेयर टेस्ट से भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें क्या क्या लगते थे, वो लंबा वाला याद है ना, पहले आप फॉस्फोरस आयोडीन, फिर आप AgNO2 के साथ कराते थे, काफी सारे रिएजेंट्स लेते थे। इसके अलावा और कैसे करते थे हम, याद करो, पीसीसी भी तो काम करता है ना, पीसीसी से की हेल्प से भी तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो वो एल्डिहाइड में बदलेगा, अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन में टर्शियरी की नो रिएक्शन, इससे भी आप कर सकते हो। हाँ, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट पे मैं आ रही हूँ, नहीं नहीं सीरिक अमो, हाँ हाँ एक चीज मेरे को बतानी है, एक मिनट में आ रही हूँ इस चीज पे। उसके अलावा अगर मान लो तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो तो वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल देता है। सेकेंडरी होगा तो कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बताऊंगी कि कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? वो उसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए कीटोन चेंज नहीं होगा आगे फर्दर, और टर्शियरी की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इनके बेसिस पे भी कर सकते हैं ना हम। तो मैम नया क्या कराने वाले हो आप? आज मैं नया कराने वाली हूँ, एक टेस्ट आपको कराने वाली हूँ, सभी लिखेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है? अभी मुझे किसी ने बोला मैम कैन सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि योर अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, वो सिर्फ ये बताता है कि वेदर द अल्कोहल इज प्रेजेंट और नॉट, गेटिंग माय पॉइंट, वेदर द OH ग्रुप इज प्रेजेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आपका टर्शरी होगा तो वो भी देगा कैन, सेकेंडरी होगा तो भी देगा, प्राइमरी होगा तो भी देगा। हाँ, किसी में फास्ट और स्लो होती है रिएक्शन, वो अलग बात है, बट यस सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में जो भी अल्कोहल होगा तो देगा ये वाला टेस्ट, ठीक है? चलो अब हेडिंग डालो हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आइडोफॉर्म टेस्ट। ये किसके लिए होता है? अल्कोहल्स के लिए ही होता है, ठीक है? अब होता क्या है यहाँ पे, देखो सेम टेस्ट मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी बताऊंगी, ठीक है? इसका मैकेनिज्म भी करेंगे, बिकॉज इसका मैकेनिज्म ना बड़ा प्यारा सा है और मैं चाहती हूँ आप वो सीखो, बट यहाँ पे कोई फायदा नहीं है सिखाने का, एल्डिहाइड कीटोन वाले में सिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे पता लगाएंगे। आइडोफॉर्म का नहीं आया क्वेश्चन किसी का पेपर में, तो वो मैं ट्रिक बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको पहचानना है कि ये टेस्ट मतलब गिवन अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, ठीक है? चलो ओके। तो जो इसमें रिएजेंट यूज होता है ना मेरा बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो इसमें रिएजेंट यूज होता है ना, या तो एग्जामिनर तुम्हें ध्यान से सुन लो, अगर आयोडोफॉर्म है मतलब आयोडीन होगा, या तो तुम्हें एग्जामिनर ये लिख के देगा, ठीक है? अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो यहाँ Cl2 आ जाएगा, ब्रोमोफॉर्म होगा तो यहाँ Br2 आ जाएगा, बट क्वेश्चन आइडोफॉर्म से आता है, या फिर तुम्हें वो ये लिख के देगा NaOI, या अगर कोई और हेलोजन होगा तो सिंपल आप जनरल बोल सकते हो NaOH, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब होता क्या है ध्यान से देखना, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे अल्कोहल लिखती हूँ सिंपल वाला अपना इथेनॉल, ठीक है? अगर मान लो मैं इसमें ये रिएजेंट डाल देती हूँ I2 वाला और NaOH, तो बेसिकली इसमें 4 मोल I2 के चाहिए होंगे, 6 मोल आपके NaOH के चाहिए होंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ध्यान से सुनना, एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि ये मिलके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये अल्कोहल है ये किसमें चेंज हो जाता है मेरा बेटा, देख रहे हो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा ना, ये दिख रहा है आप सबको? तो बेसिकली ना पहले हमेशा ऐसे ही होता है, तभी मैंने कहा मैं मैकेनिज्म तुम्हें बाद में कराऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। होता क्या है, पहले अल्कोहल उसमें चेंज होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, उसके बाद फर्दर रिएक्शन होना जो है स्टार्ट होती है। तो एक्चुअल में अभी क्या समझोगे तुम, यही समझोगे
कि जो ये सी है ना, जिसके पास तीन एच है, ये बन जाता है आपका सी एच आई थ्री। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, आइडोफोम हो गया। जैसे क्लोरोफोम क्या होता है, सी एच सी एल थ्री होता है, ब्रोमोफोम क्या हो जाएगा, सी एच बी आर थ्री हो जाएगा, तो आइडोफोम क्या हो जाएगा, सी एच आई थ्री, बोलो हाँ या ना। तो इसके हमें क्या मिलते हैं, येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं अगर आप आइडोफोम टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलता है, फॉर्मेटाइन मिलेगा। ये कैसे आया ना, ये कैसे बना प्रोडक्ट, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा तुम्हें क्या मिलेगा, एनएआई और तुम्हें वॉटर मिल जाएगा। अब तुम बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर लो ये कितने हैं, आई टू आयोडीन कितने हैं, आठ है, यहाँ पे तीन हो गया तो यहाँ पे पांच हो गया, देखना बैलेंस है क्या। और हाइड्रोजन कितने हैं चेक करना एक बार, छ सात आठ नौ, ये हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग आपसे एक बार देख लेना, बैलेंसिंग आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, मेन आपसे ये पूछेगा कि बताओ भाई ये अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट देगा या नहीं देगा। अब मैम हमें पता कैसे चलेगा कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, और जब मैकेनिज्म करेंगे तो वहां पे आपको समझ में भी आ जाएगी कि मैंने ये ट्रिक क्यों यूज की। तो अभी के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना आपका, सेकेंडरी अल्कोहल ये आइडोफोम टेस्ट देगा। सेकेंडरी कहीं पे लिख लो क्लाउड बना के कि सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स आइडोफोम टेस्ट। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैम ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो हाँ प्राइमरी अल्कोहल वैसे नहीं देगा आइडोफोम टेस्ट, प्राइमरी में सिर्फ कौन देगा, इथेनॉल देगा। इसका रीजन भी तुम्हें आगे चल के समझ में आएगा कि मैम ऐसा क्यों। ठीक है, तो इथे प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल वाले क्या करेंगे, आइडोफोम टेस्ट देंगे। अगर आइडोफोम टेस्ट दिया तो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मेन अपने को ये दोनों चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ये चीज क्लियर हुई, बोलो। यस मैम। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ अल्कोहल लिखती जाऊंगी, अपन देखेंगे कि वहां पे आइडोफोम टेस्ट मतलब आइडोफोम मिलेगा कि येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल लिया मिथेनॉल, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने आई टू और NaOH के साथ। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नो रिएक्शन, नो मैम। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लेती हूँ, अब आपको बताना है कि यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आप बता दीजिए। पहले मैं लिख देती हूँ, इसकी जगह NaOI भी दे सकता है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, वन बाय वन इसमें हमें बताना है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ जी, करो एक बार हैंड रेस करो। अच्छा, काफी बच्चों ने कर लिया यार, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। चलो बताते जाओ मुझे, वन टू थ्री में मिलेंगे क्या? यस मैम, में मिलेंगे। यस मैम, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर मैं बोल रही हूँ इसका मैकेनिज्म, ये सब हम एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडोफोम मिलेंगे, येलो प्रेसिपिटेट उसके मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद फोर्थ में चेक करके बताइए मिलेंगे क्या। नो मैम, नो रिएक्शन। ओके, फिफ्थ वाले में मिलेंगे क्या? यस मैम, यस मैम, यस मैम। एक बार पता कैसा क्वेश्चन आया था नीट में, पता नहीं नीट में आया था शायद, आपसे ये पूछा था कि आइडोफोम में, नहीं नीट में नहीं, सॉरी जेई में आया था 2023 में, कि आइडोफोम रिएक्शन में हम कितने मोल आयोडीन के यूज करते हैं, कितने मोल NaOH के। मतलब बच्चों को क्या होता है, जनरली हम लोग ये रट तो लेते हैं कि सी एच आई थ्री के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे और ये अल्कोहल मिलेगा, लेकिन कई बार ना हम इन छोटी सी चीजों को देखना अवॉइड करते कर देते हैं ना हम नॉर्मली, कि ठीक है ना, हो रही होगी रिएक्शन, बैलेंसिंग हो रही होगी, हमें क्या।
तो आपको पूरी रिएक्शन के बैलेंस होने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बट यस इतनी चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 4 मोल आयोडीन के यहाँ पे यूज होते हैं और 6 मोल NaOH के। अभी ये चारों ना कैसे यूज होंगे वो आपको फिर सिर्फ मैकेनिज्म से मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगी, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे 5 आएगा, चलो ठीक है, आगे करते हैं फिर स्टार्ट। उसके बाद है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर मान लो यू हैव टू डिफरेंशिएट, मान लो दो बच्चे खड़े हैं, मान लो मुस्कान और चेतना खड़े हैं, एक के पास है फ्लास्क में अल्कोहल है और एक के फ्लास्क में फिनोल, लेकिन दोनों को मालूम नहीं है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि बेटा पता लगा के, दोनों साथ में ही काम कर रही हैं, तो मैंने उनको बोला कि पता लगा के इनमें से कौन सा अल्कोहल है और कौन सा फिनोल है, तो वो टेस्ट करने लगेंगी, है ना। तो वो टेस्ट करने लगेंगी, काफी सारे टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे वो बता सकते हैं कि हमारा अल्कोहल है या फिनोल है। तो सबसे बेसिक जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा लिटमस पेपर टेस्ट, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर तुम लोगों को याद हो, कि फिनोल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, बताया था क्या। रीजन सबको मालूम है कि क्यों होता है, फिनोक्साइड आयन बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो फिनोल लिटमस पेपर टेस्ट देगा। अगर तुम लैब में जाके ब्लू लिटमस पेपर उठा के आ गए और जो फिनोल का सोल्यूशन उसमें तुमने डिप किया, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा ना, जबकि अल्कोहल पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि अल्कोहल वो टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये टिक वाले का मतलब क्या है, वो टेस्ट वो देगा, और काटे का मतलब जहां पे मैंने रोंग लगाया उसका मतलब है वो टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, याद करो फिनोल जो है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे थे हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के, अगर तुम्हें याद हो तो। यस मैम। अल्कोहल नहीं देता है, ठीक है, ये आते हैं पेपर में। तीसरा है टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है पता लगाने का, कई बार ना इससे रिजल्ट्स आपको इतने बेटर नहीं मिलते हैं, तो उससे बेटर जो टेस्ट होता है वो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगर आप पूछोगे ना लैब में, अगर आपको पता लगाना है कि फिनोल है या नहीं, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। पता है क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, आप अपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वो ले लो, ड्रॉप वाइज फिनोल ले लो, लैब में आपका फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन पड़ा होता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, जैसे ही आप उसको ड्रॉप वाइज डालेंगे ना अपने उसमें सोल्यूशन में, तो आपका कलर चेंज होगा, 3-4 कलर चेंज होंगे, ग्रीन ब्लू, है ना, ऐसा ट्रांजिएंट मतलब होता है कम टाइम के लिए कलर अपीयर होना, ठीक है। तो वहां पे अगर कलर चेंज हो रहा है और फाइनली आपको वॉयलेट कलर दिखता है, अगर वो आता है तो हम पता लगा लेते हैं, बड़ा प्यारा सा आता है और हम पता लगा लेते हैं कि उसमें फिनोल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर आप पूरी रिएक्शन देखेंगे, अगर आप 3 मोल ले रहे हैं फिनोल के, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जितने मोल ले रहे हैं वहां पे उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, वॉयलेट कलर का मिलता है कॉम्प्लेक्स। अगर तुम जे एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो मैं ये पूरा आपको सिखाती किस तरीके से रिएक्शन है, बट अगर मैं बात करूं सिर्फ नीट की और जेई मेंस की, तो वो आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि फिनोल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, अल्कोहल नहीं देता, ठीक है जी। तो लैब में परफॉर्म जब आप करते हो तो ये वाला टेस्ट जनरली बच्चे करते हैं। फोर्थ आता है अपना कपलिंग रिएक्शन, याद करो फिनोल कपलिंग रिएक्शन दे रहा था, कौन से कलर की डाई बन रही थी, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज डाई बन रही थी, ठीक है। उसके अलावा कैन टेस्ट क्या है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें याद करो अल्कोहल में आपको क्या हो रहा था, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या था, यही था ना, इसका एक बार देख लो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लो, यही था अपने पास, ठीक है। +4 में है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, येलो कलर का है, अगर अल्कोहल होता तो किसमें चेंज हो जाता था, वाइन रेड कलर में, ठीक है। लेकिन अगर मेरा बेटा फिनोल प्रेजेंट हुआ तो भी क्या मैम आएगा क्या, हांजी, तो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट फिनोल भी देते हैं,
लेकिन इसमें कैसा कलर आता है, डार्क ब्राउन कलर आता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली ये जो टेस्ट है हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, वो कौन देता है? फिनोल भी देता है और एल्कोहल भी देता है। डोंट वरी, जब आप लोगों की पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी ना, तो तुम्हें मैं एक पीडीएफ दे दूंगी जिसमें सारे टेस्ट होंगे 11, 12 के। बट क्योंकि अब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो जो टेस्ट आते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। हो जाएगा ये 5 टेस्ट क्लियर है? आगे आइए। यस मैम। लिखते जाओ फटाफट, जितने बच्चे बैठे हो 30-31 बच्चे। दक्ष लिख रहे हो, कशिश, डिम्पल, नेहा, हुस्नवाज, पलक, आज काफी बच्चे आए हुए हैं भाई, खुशी हो रही है देख के। कुछ दिन से तो बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे थे, अब रेगुलर रहो, ज्यादा नहीं रह गया सिलेबस, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे, एक नया टेस्ट है, शायद आपने नहीं सुना हो। कौन सा ये नंबर अपना 6, थैलिन डाइट टेस्ट। मैम ये बनाना है कि ये नहीं बनाना है तुम लोगों को? मत बनाना, मत बनाना, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लेके आई हूँ, मत बनाना इसको। तो थैलिन डाइट टेस्ट क्या होता है बेटा? जो फिनोल होते हैं ना, वो थैलिन डाइट टेस्ट को देते हैं। अब मैंने ये क्यों करवाया है, हालांकि आज तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया इससे, थैलिन डाइट टेस्ट से, बट अगर अगर आपने जेई 2024 का पेपर देखा हो, तो वहां पे क्वेश्चन आया था, वो ये पूछ रहा था कि इनमें से बताओ कौन थैलिन डाइट टेस्ट देगा। तो वहां पे काफी सारे कंपाउंड्स बने हुए थे, तो उसमें से देखना था जो फिनोल होगा वो देगा। तो उसमें आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेई मेन्स और नीट का लेवल ना, आप बहुत इतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैं पिछले साल का देखूं, 2024 में जो उन्होंने केमिस्ट्री का पेपर बनाया है, दैट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। अगर जब तुम देखोगे, उन्होंने डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन उसमें डाले हुए थे जेई के पेपर में, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कि वो नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो अभी है क्या यहाँ पे मैम, करते क्या है, आओ देखो। नाम से ही पता चल रहा है थैलिन मतलब थैलिक एनहाइड्राइड यूज होगा, ठीक है। देखो कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिखना थैलिन डाइट टेस्ट फिनोल देता है, एल्कोहल नहीं देता। देखो अगर मान लो तुम्हारे जो कंपाउंड तुम्हें मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें फिनोल हुआ, तो तुम क्या करोगे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे। बेसिकली तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, फिनोल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो थैलिक एनहाइड्राइड लोगे, कैसा होता है थैलिक एनहाइड्राइड, ऐसा। अमीन्स चैप्टर में भी यूज होगा इसका, थैलिक एनहाइड्राइड का, और वहां पे भी होगा एल्डिहाइड कीटोन का भी, ठीक है। आप क्या लेते हो, ऊपर से ड्रॉप वाइज एसिड डालते हो उसमें, तो जैसे ही आप एसिड डालते हो ना, तो यहाँ पे हो जाते कंडेंसेशन रिएक्शन और आपको फिनोप्थिलीन मिलता है। आपने ये तो बड़ी सुना होगा, फिनोप्थिलीन को बड़ा यूज करते हो आप, इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो ये फिनोप्थिलीन क्या है, तुम्हारा कलरलेस है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मान लो ये तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, ठीक है, ऊपर से तुमने थैलिक एनहाइड्राइड डाला, फिर तुमने H2SO4 डाला, एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा फिनोप्थिलीन, जो कि कलरलेस होगा। और कब बनेगा, अगर फिनोल प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या करोगे तुम, अगर तुम इसको जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन बन गया, थोड़ा सा अलग टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लेना लिक्विड वाला, और उसमें NaOH की कुछ ड्रॉप डालना इस वाले सॉल्यूशन में, समझ गए। अगर तो तुम्हारा सॉल्यूशन पिंक होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है, मालूम है ना ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर तुम ज्यादा एक्सेस ऑफ NaOH ले लोगे, तो वो किसमें फिर वापस से वो कलरलेस हो जाएगा। तो अगर ये सब काम हो रहा है, तो हम क्या पता लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल में क्या है, बोलो जल्दी, फिनोल है। फिनोल आपको मैं फिर बोल रही हूँ, ये आपसे ना कोई नहीं बनवाएगा, इवन मेरे को भी नहीं याद है ये, ठीक है। बस इतना जरूर ध्यान रखना, एक तो फिनोप्थिलीन का कलर बेसिक मीडियम में पिंक होता है, और थैलिन डाइट टेस्ट जो होता है वो फिनोल देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी अपने को, ठीक है, हो गया। अब आओ सेवेंथ पे। सेवेंथ टेस्ट कौन सा है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये भी फिनोल देते हैं, फिनोल के लिए करते हैं हम ये टेस्ट। अब इसमें क्या होता है मैम, ये रिएक्शन करनी है नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। देखो अब होता क्या है, सबसे पहले हम बेटा फिनोल लेते हैं, अगर फिनोल प्रेजेंट है तो, और उसमें क्या डालते हैं हम, सोडियम नाइट्राइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेसिकली इन दोनों से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO, जो कि अटैक करता है पैरा पोजीशन पे। ध्यान रखना पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है।
इतना समझ में आया सबको? बोलो yes. ठीक है yes, इसके बाद क्या होता है ना यहाँ पे, इसके बाद टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म सुना होगा तुम लोगों ने, टोटोमेरिज्म कैसे होता है? ऐसे ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, कैसे बन जाएगा? इधर देखना, कलर चेंज करती हूँ, देखना एक बार। डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ डबल बॉन्ड NOH, देखना एक बार, यही बन गया ये वाला। yes, ma'am. ठीक है, टोटोमेरिज्म होके ही हो जाता है। उसके बाद फिर हम फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? फिनोल के साथ कराते हैं, फिनोल के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है और फाइनली देखो ये मिल जाता है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? NOH के साथ ट्रीट कराते हैं, एल्कली के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है? बेस है, बेस है तो एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, और दिस इज एसिडिक प्रोटोन, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो देखो रेजोनेंस में जा रहा है। तो बेसिकली जब आप बेस डालते हो ना, अगर उसके बाद आपके टेस्ट ट्यूब में जो भी सोल्यूशन है उसका कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू कलरेशन आ जाती है, तो मतलब हम पता लगा लेते हैं कि उसमें क्या है मेरा बेटा, फिनोल प्रेजेंट है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। चलो एक्चुअली में ना ये वाला ये नहीं निकलता, तो एक बार दिखाती हूँ। ये यहाँ पे फिनोल है और यहाँ पे एच है ना, ये निकलता है देखो इधर, ये देख पा रहे हो? फिर डबल बोन एन, ये पूरा ओ एच, देखो तब आएगा ये। ठीक है, ओके मैम, खत्म इतना बस। ये टेस्ट आपको, 7 टेस्ट आपको करने थे इसमें। क्या हुआ मेरा बेटा? हाँ बिल्कुल, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कर रहे हो, यही टेस्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, अगर आपका ब्लू कलर आ जा रहा है देन आप बोलोगे फिनोल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, टेस्ट है ये। उसके बाद हम आगे करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनोल का। मैं एक बार बता देती हूँ फटाफट, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने का, रीजन यही है बताने का, क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन बनते हैं। तो फटाफट से आओ, एक बार तुम पढ़ना, समझ में आ रहा है कि कुछ लिखा हुआ इसमें, फिर मैं बताती हूँ। देखना एक बार, नॉर्मल नहीं लग रहा है। क्या हो गया? नॉर्मल क्या? वो जो नॉर्मल रूल्स होते हैं। तभी का पढ़ने के लिए देखो, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे बताते हो? बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास, है ना? यही पढ़ा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आप क्या देखोगे? मॉलिक्यूलर मास, है ना? अगर मॉलिक्यूलर मास है देन आप सरफेस एरिया पे जाते हो, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे? अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, फिर वो भी हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे यही बोल रहा है क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक बात है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल और फिनोल का बढ़ेगा जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा एल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक बात है ना? यस मैम। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? डिक्रीज होगा। आगे चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल और फिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है, देखो। yes, क्या हुआ खुशी? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है ये? आगे बोलता है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल और फिनोल का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी क्लासेस से, लाइक हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से। तो वो कह रहे हैं कि जो एल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे ज्यादा होता है? हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, हेलोएल्केन, हेलोएरीन से, जिनका कंपेरेबल आपस में मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इथेनॉल की और मैं बात करूं प्रोपेन की, तो दोनों का ऑलमोस्ट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है आपका इथेनॉल का। रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका एल्कोहल का ज्यादा होता है। और ईथर की बात करूं तो ईथर इन दोनों के कहीं बीच में आ जाता है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ना एनसीईआरटी में एक डेटा है, देखना एक बार इसको।
ये बता रखा है अल्कोहल का देखो 351 केल्विन है, इसका 248 है, इसका देखो 231 है। फिर बोल रखा है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट या लैकिंग इन इथर एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक बात है क्या? ज्यादा है नहीं इसमें बनाने का मेरा, ठीक है आगे चलते हैं। फिर वो बोल रहा है सोल्युबिलिटी के बारे में, तो सोल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल और फिनोल की सोल्युबिलिटी क्या बोल रहे हैं, किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। जितना वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, और जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा आपकी सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और जो लोअर अल्कोहल होते हैं आपने देखा होगा इथेनॉल डिसॉल्व हो जाता है पानी में, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखी है नोट करके, ये आ सकता है क्वेश्चन, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, बोलो ठीक है क्या? Yes, ma'am. ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी मतलब सरफेस एरिया कम होगा, हाइड्रोफोबिक बेसिकली जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया अपना कम हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उस केस में, बढ़ जाएगी ब्रांचिंग के साथ, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट से, ये आपके एनसीईआरटी में ही, आपको ये पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब रीड करोगे ना आप अपने आप वहां पे अंडरलाइन कर लेना, या अभी बैठे हो तो अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना किसी को कोई दिक्कत है? तो हमने अल्कोहल फिनोल कंप्लीट कर लिया है, अब हम ईथर पे चलेंगे। ईथर अभी कितने बजे, 7:40 ना, तो जितना टाइम बचा है वो और कल की 1.5 घंटे की क्लास में आपका ईथर वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा मेरी साइड से। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ना 2-3 चीजें पता होने चाहिए, दैट्स इट। चले चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ईथर में मैं अभी वो टेबल वाला पार्ट नहीं ले रही हूँ जिसमें आपका आयुपिक नेमिंग था, अभी मैं डायरेक्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रही हूँ ईथर में। तो ये बहुत सिंपल ईथर है, डाइईथाइल ईथर है इसका कॉमन नेम। और अगर मैं बात करूं इसका क्या बोलते हैं आयुपिक नेमिंग, तो क्या होगा इसका, इथोक्सी इथेन। कैसे आया नहीं मालूम है, अगर आयुपिक नेम इट्स ओके, कोई ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है खुद को। एंड दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोप्यूरान, ठीक है। आगे बढ़ो, ये क्या है, डीएमई क्या है, 1,2-dimethoxy इथेन, देख रहे हो, OCS3 जो मीथोक्सी, पढ़ा है ये कभी, मीथोक्सी पढ़ा होगा, इथोक्सी, ऐसे ही प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं इथर में, मीथोक्सी इथोक्सी, तो ये अपने पास क्या है, 1,2-dimethoxy इथेन है। ये सिंपल सिंपल इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये ज्यादा यूज होते हैं तुम्हारे रिएक्शन में, बस इसीलिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलूंगी बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, सबको याद आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को याद आ रहा है। चलो आ जाओ, ये तुम्हारे पास इथेनॉल है ना, अगर मान लो मैं इसमें डाल दू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मालूम है ये चीज, मालूम होगा, नहीं होगा तो पिटाई हो जाएगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। थम्स अप देते रहो, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, इससे सिंपल कुछ नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक में जो मैं पढ़ा रही हूँ आज की क्लास में। कल वाली क्लास में चलो फिर भी थोड़ा है ज्यादा समझने का, बट आज वाली तो बहुत ईजी है, बट बस 15 मिनट सुन लो मेरे को ध्यान से। हाँ, तो बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो क्या करेगा, पानी निकालेगा, तो आपको पता है इसमें एल्कीन बन जाएगी, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही, बहुत बार कराती है मैंने, ठीक है। लेकिन मेरा बेटा अगर तुम एल्कोहल ले रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही ले रहे हो लेकिन टेम्परेचर तुमने डाला 413 केल्विन, तो यहाँ पे तुम्हें अब एल्कीन मिलने की बजाय, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की बजाय, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और तुम्हें फाइनली ईथर मिल जाता है मेरा बेटा। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन,
मैंने देखो याद करो, एक तो डोज प्रोसेस में मैंने तुम्हें बताया था कि वो ड्रास्टिक कंडीशन याद करना, तुम हाई टेम्परेचर कितना था 323 और 600 एटमोस्फेरिक प्रेशर था, एक मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ठीक है कि 413 केल्विन पे आपका ईथर बनेगा, ये याद रखना है, ये टेम्परेचर ध्यान रखना ठीक है। लेकिन अब ये रिएक्शन होती कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ ठीक है, ये होती कैसे सिंपल, अभी आप ये समझो कि यहाँ से वॉटर निकल रहा होगा। देखो अगर मैं, अगर मेरे पास एक्सेस में है मेरा बेटा अल्कोहल, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ ना, बोलो यस yes, ये तो है सिंपल, लेकिन इसका मैकेनिज्म करना पड़ेगा, नीट में नहीं आता बट तुम्हारे बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का, तो मैं बता दे दू ठीक है, एक बार सुन लो इसको। होता क्या है मेरा बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, CH3CH2OH ठीक है, एसिड है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी अल्कोहल की, मैम ये तो स्टेप रट चुका है अब हमें बहुत अच्छे से ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे वॉटर बना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोनेशन होने के बाद जैसे ही यहाँ पे वॉटर बना, वॉटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही ये निकलेगा पीछे से इस पे कौन आके अटैक करेगा, एल्कोहल, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बिहेव कर रहा है, तो अटैक करेगा। ये कैसी रिएक्शन दिख रही है बेटा, एक ही स्टेप में अटैक और लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलता है, CH3CH2OH CH2CH3। अब क्योंकि मीडियम में पानी भी होगा तो पानी क्या करेगा, ये H को ले लेगा, H प्लस को चार न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपको पता ही ये बहुत कॉमन हो चुका है अब स्टेप अपने लिए। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है, लेकिन ये कब मिलता है, स्पेशली NCERT में मेंशन किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, समझे कि नहीं समझे बोलो। ये सिर्फ मैंने क्यों कराया, तुम्हारा 2 नंबर का आता है बोर्ड्स में, और मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ना ही तुम्हारा है नीट में ठीक है, बस उसमें आता है 2 नंबर का कई बार कि मैकेनिज्म लिखना है तुम लोगों को ठीक है, हो जाएगा ये वाले में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, 31 बच्चे बैठे हो यहाँ पे। नो मैम। प्रिया नो मैम। ओके ठीक है, आयुष, पलक, अस्मा, डिंपल, शिखा, स्नेहा, खुशी, किशोर, हुद्दा, परिधि, कशिश ठीक है, चलो बढ़िया। अब आ जाओ काम की बात, काम की बात तो अब स्टार्ट हुई, अभी तक तो यूं ही था। देखो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ईथर की प्रिपरेशन करेंगे, बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे ईथर की। व्हाई वी यूज दिस मेथड विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि इसकी अपनी एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है इसकी, मेन यही है कि ये इस मेथड की हेल्प से ना मैं सिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकती हूँ और अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि सिमेट्रिकल ईथर बनाना है या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, गेटिंग माय पॉइंट ठीक है। तो इसलिए वी यूज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। होता क्या है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, तुम्हें खुद लगेगा कि तुम दोबारा से हेलोल्केन एंड हेलोरीन वाले चैप्टर में पहुंच गए हो। चलो देखो होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं ठीक है मेरा बेटा, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, साथ ही हम क्या लेते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्योंकि जो ये रिएक्शन हो रही होती है ईथर बनने वाली वो SN2 रिएक्शन हो रही होती है, एंड हमें पता है SN2 रिएक्शन में वी नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कई बार तुम्हें मिथोक्साइड आयन मिल जाएगा, कई बार तुम्हें इथोक्साइड आयन मिल जाएगा है ना, कई बार तुम्हें वो मिल जाएगा क्या बोलते हैं उसको, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड मिल जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, अब ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से सुन लेगा, अब क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे से Br बाहर निकल जाएगा, तो देखो मेरे को क्या दिख रहा है, ईथर नहीं बन गया, तो दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन, बोलो हाँ के ना, यस यस। लेकिन अब इसमें एक बात हमें ना बहुत ध्यान से रखनी है, ध्यान से क्या सुनना है, क्योंकि बेटा हमें पता है SN2 जब भी आती है तो हमारे दिमाग में क्या घूमता है, स्टीरिक हिंड्रेंस घूमता है, क्या घूमता है, स्टीरिक हिंड्रेंस घूमता है, तो आप ध्यान रखिएगा,
अगर आप चाहते हो कि आपका एल्कोक्साइडाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करे, बेस की तरह बिहेव ना करे बिकॉज वो एलिमिनेशन हो जाएगी, तो उसके लिए जो हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए होगा वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखवा रही हूं मैं, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना और तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है बेशक वो बल्कि हो या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, चलेगा चलेगा। तो तुम्हें वहां पे क्या मिलेगा, SN2 रिएक्शन होगी, वहां पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, इथर मिल जाएगा। बट अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ, ध्यान से सुन लो, और अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल बल्कि, बल्कि बोले तो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जैसा हो या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो लाइक इथोक्साइड जैसा, तो उस केस में तुम्हें SN2 भी मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा और साथ ही साथ एलिमिनेशन भी हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो भाई साहब वहां पे ना हो पाएगा इथर, वहां पे SN2 नहीं हो पाएगी, वहां पे तो फिर E2 एलिमिनेशन होके एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज वहां पे वो फिर बेस की तरह काम करेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, अभी पहले ये लिख लो, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ईथर बनाना है SN2 करवानी पड़ेगी, SN2 करवाने के लिए तुम एल्कोक्साइड आयन बल्कि लो या लेस बल्कि लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट एल्काइल हैलाइड अगर तुम चाहते हो ईथर की अच्छी यील्ड आए तो एल्काइल हैलाइड तुम्हें क्या लेना है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान दो कि एल्कोक्साइड कैसे बना होगा, मैंने तुम्हें सिखाया था ना अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ कराते हो या सोडामाइड के साथ कराते हो, NH के साथ कराते हो, तो वहां पे आपको क्या मिलता है, एल्कोक्साइड आयन मिलता है। याद है वो रिएक्शन मैंने बताई थी? यस मैम। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स लिखो। देखो ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं मेरा बेटा। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, दिख रहा होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेसिकली ईथर बनेगा। होगा क्या यहाँ पे, देखना क्या बोल रहे हैं कि विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड टू गिव ईथर। इन प्लेस ऑफ एल्कोक्साइड यू कैन ऑल्सो यूज फिनोक्साइड। ठीक है, फिनोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? फिनोक्साइड यू कैन ऑल्सो यूज। ठीक है, SN2 रिएक्शन होगी बिकॉज एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर वो कह रहे हैं जैसे अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो वी गेट एल्कीन नॉट ईथर एज ए प्रोडक्ट। यानी कि सेकेंडरी में वो कह रहे हैं कि एल्कीन बनता है बट कुछ आपका सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट भी बनता है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन टर्शियरी वाले में अपने को क्या मिलता है, बोलो, एल्कीन मिलता है। एल्कीन, लिख लो इसको फटाफट और थम्स अप कर दो, अपन आगे चलते हैं। बस इसी तरीके से तुम्हें 10 मिनट और सुनना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हुआ, लिख रहे हो क्या, लिख लो। हाँ जी, थम्स अप दे दो। हाँ जी, बोलो बोलो। पहले मैं एक दो एग्जांपल बता देती हूँ क्योंकि उसके बाद देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आएगा। हाँ, आगे, ठीक है। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे मैंने दिया है ये, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, और एक मैं ले रही हूँ ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे मैं दे रही हूँ मिथोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो पहले तो चेक करो, आपको पता है क्या चेक करना है, मेन आपको एल्काइल हैलाइड की तरफ नजर दौड़ानी है ना,
ये तो आपका बल्कि भी हो सकता है, लेस बल्कि भी हो सकता है, उसका इट्स ओके. यहाँ पे देखो मिथाइल हैलाइड है, लेस बल्कि है, तो यहाँ पे एस एन टू बोलो हो सकती है, होगी मैम. ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं. टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर, यहाँ पे आप चेक करो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, बेस कैसा भी हो क्या यहाँ पे एस एन टू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. नाउ दिस बिहेव, दिस विल बिहेव एज अ बेस, तो ये क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यस एल्कीन बन जाएगी इस तरीके से, समझे. तो यानी कि आपका एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड इफ यू वांट टू प्रिपेयर ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस. क्लियर है इतनी बात, बोलो. यस मैम. अब ऐसे भी तो कुछ कंपाउंड्स होंगे ना मेरा बेटा जो नहीं देंगे, जो नहीं बनाएंगे ईथर. कौन से नहीं बनाएंगे, ये तो तुम्हें पता ही है, याद करो मैंने तुम्हें लिस्ट बनवाई थी कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो SN2 नहीं देते हैं, याद करो. एक तो अपने पास विनाइल हैलाइड था, नहीं देता है, अभी भी नहीं देगा. एक अपने पास एराइल हैलाइड है, नहीं देता है, अभी भी नहीं देगा. एक अपने पास ब्रिज हेड कार्बन पे पोजिशन पे नहीं होना चाहिए, नहीं देगा. एक अपने पास अगर एल्काइल फ्लोराइड है तो भी नहीं देगा. ये जो है ईथर नहीं बनाएंगे, इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी, बोलो. Yes, ma'am. तुम्हें खुद फील हो रहा होगा मैम, ऐसे लग रहा है कि हम एलोएल्केन एंड हेलोएरीन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो SN2 रिएक्शन का ही पार्ट है ना विलियमसन सिंथेसिस, इस वजह से. इसको लिखो फटाफट, आगे चलते हैं बेटा. चले, चलो. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, कुछ कुछ आप करेंगे, ठीक है. 11 क्वेश्चन है टोटल. क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देखो, आपको क्या बोला है, आपको दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट बताना है. तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो कहाँ नजर जानी चाहिए तुम लोगों की. एल्काइल हैलाइड पे जानी चाहिए, लिखो जल्दी करो. एल्काइल हैलाइड पे नजर जानी चाहिए, चेक करो एल्काइल हैलाइड हमारा भयानक सा तो नहीं दिख रहा, मतलब बल्कि तो नहीं है, तो हमें दिख रहा है नो मैम ये तो बल्कि नहीं. अब ये मत करना मैम ये तो फिनाइल रिंग लगी हुई है तो बल्कि है, कोई ऐसा सोच रहा है क्या? नो मैम. हाँ नहीं सोचा. इवन ये तो ना SN2 को फेवर करती है भाई, क्योंकि अगर ट्रांजिशन स्टेट देखोगे तो मैं SN2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा ना इसका, माइनस आई इफेक्ट लगाती है बेंजीन रिंग, पता है. तो इधर देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अरे कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा. हाँ तो यहाँ पे जैसे ये पीछे अटैक करेगा ही निकलेगा, तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, पीएच पीएच सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री. तो क्या आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन आ गया. ठीक है, इस तरीके से तुम्हें करना है. ठीक है, अब तुम्हारी बारी, एक मैं एक तुम. क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको चार कंपाउंड मतलब चार पार्ट दिए हुए हैं, तुम्हें सब में क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है. एक मिनट वो होता है ना, एक मिनट ले लो. चलो इसमें मेरे को ना प्रोडक्ट बना के दिखाओ, ए बी सी डी क्या होगा, और आप लोगों से ही पूछूंगी मैं क्या बनाया. किसकी वॉइस, मेरी? मैं तो चुप हूं ना अभी, क्योंकि आप लोग कर रहे हो. हाँ
करो करो, मैं वेट कर रही हूँ बेटा। शाबाश, तीन बच्चों का हो गया है, तनिष्का, मुस्कान, अंशिका, चेतना। वेरी गुड, और करो। चलो कोई बात नहीं, जिसका एक भी हुआ है, दो भी हुआ है, चौक के हाथ खड़े करो तुम। शाबाश सना, प्रिया, पीयूष, पूजा। सना कितने हो गए बेटा? फर्स्ट हो गया है क्या? फर्स्ट बता दो मेरे को, जल्दी करते हैं। फर्स्ट बताओ मेरे को क्या बनेगा। मुस्कान फर्स्ट क्या बना? मैम बीआर हटके ओ के साथ पेंटेन अटैच हो जाएगा। देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, देखो इसको थोड़ा सा अगर अलग से बनाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे है ना वैसे मत क्या करो, थोड़ा सा लिखो करो, पता चलेगा चीजें कैसी हो रही हैं। तो बेसिकली एल्काइललाइट अपना क्या है, एलेस्टेरिकली हिंडर्ड है, तो हो जाएगी SN2। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ऊपर बना रही हूँ, इथर हाँ इथर मिल जाएगा। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना, आईयूपीएसी नेमिंग भी कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो एल्काइललाइट लेस बल्की है, तो ये भी यहाँ पे भी SN2 हो जाएगी। यस मैम, ठीक है, देखो उसके बाद चेक कीजिए, हो हो जाएगी ऐसे। हो जाएगी क्या? जाएगी यस यस मैम। क्योंकि ये तो क्या है, बल्कि नहीं है, तो ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। बना रही हूँ देखना एक बार, CH2O CH3CH3, देख ठीक है, यस इसमें मैम, चेक करो हो जाएगा यस क्या। मैम, यस मैम, यस मैम, यस हो जाएगा। हो जाएगी SN2, सब में लिख लो SN2 हो जाएगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ जहां पे हमें लगा हो कि एल्कीन बन रही है, तो यहाँ पे भी हो जाएगी मस्त मजे से, ठीक है। चलो हाँ, सब में इथर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों के प्रोडक्ट बनाने थे। चले आगे, कोई दिक्कत नो मैम, नो नहीं आएगी अभी तो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन ही सिंपल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो, चेक करके बताना मुझे इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या होगा, डिंपल बन जाएगा इधर बेटा? पूजा, डिंपल बनेगा क्या? अरे बोलो ना, कैमरा वो माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बड़ी, अरे थोड़ी जल्दी रिप्लाई करो। सना, पीयूष बनेगा क्या? हुस्नवाज यस मैम, बनेगा। बनेगा, हाँ बोलो ना बनेगा, ठीक है बिल्कुल बनेगा मैम, बनाते जाओ। यस बनेगा, इससे सिंपल आप मत एक्सपेक्ट करो, ऑर्गेनिक में कुछ और होगा जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ फिलहाल के लिए। इसमें चेक करो ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा,
हैंड रेस करना, चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा कोई। शिखा बनेगा? यस मैम। इथर कैसे बनेगा इसमें? कोमल बनेगा क्या? अरे तुम लोग इतना भी इजी नहीं है, रुक जाओ। टर्शरी है ये, नजर तो घुमा लो, नजर नहीं घुमाते हो। इटू हो गया, ध्यान से देखो ना मेरा बेटा। एसेंट तू देता है क्या टर्शरी अल्काइल हैलाइड? नहीं देता है तो कैसे देगा? अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे एच लेगा, एच प्लस लेगा, एल्कीन बना देगा, ये बन जाएगा फाइनली। अच्छे से देखो भाई, इतना भी इजी नहीं है, ध्यान से नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा ईथर, नहीं बनेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। आपसे क्या पूछा है, इनमें से, ध्यान से सुन लो, इनमें से जो ये ईथर बने हुए हैं कैन नॉट बी मेड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपको ये बताने हैं कौन से ईथर को आप नहीं बना सकते हो। आप ट्राई करो, फिर मैं वन बाय वन बताऊंगी आपको। ए ऑप्शन है ए बी सी डी, आराम से टेक योर टाइम, इसमें थोड़ा टाइम जा सकता है आप लोगों का। टाइम लो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। इतनी जल्दी हो गया? गलत तो नहीं कर दिया? बाकी बच्चे ट्राई कीजिए बेटा, कम से कम 30 बच्चों की क्लास में 15 बच्चों के हैंड तो रेज होने चाहिए, 50%। यहाँ पे तो मुझे 6 ही दिख रहे हैं भाई, बाकी 9 बच्चे और करो, 7-2 इन 6 बच्चों का है। पूजा, परिधि, वर्षा, महक, हुस्नवाज, कहाँ गया हुस्नवाज? दक्ष कहाँ गए? कहाँ गया दक्ष? बैठा है। टिंपल क्या लग रहा है? एक तो तुम लोग माइक भी म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं करके बोलते हो, ऐसे पता नहीं चलता ऑर्गेनिक में। क्या लग रहा है टिंपल, कौन सा नहीं इथर प्रिपेयर होगा? अरे बोल दो, इतना टाइम कैसे लग रहा है टाइप करने में? डी। चलो मैं सबका पूछना चाहती हूँ, बताओ क्या लग रहा है, चैट बॉक्स में डालना, चैट बॉक्स में लिखना। सी 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 सी। ओके, सी सी आ रहा है सबका, ठीक आ रहा है भाई आंसर तो, बड़ी जल्दी कर लिया। देखो मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा से। देखो एक्चुअल में अगर तुम एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन और बेसिकली कार्बन का बॉन्ड बन रहा है ना। तो अगर मुझे वापस ईथर से बनाना हो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिकली मुझे या तो ये बोन ब्रेक करना पड़ेगा या ये बोन ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, है ना? Yes, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही देखेंगे। देखो अब हमें ना पॉसिबल पॉसिबिलिटी देखने की, कहाँ कहाँ पे ईथर बन जाएगा। तो अगर मैं बेटा इसको यहाँ से ब्रेक कराती हूँ सीओ बोन्ड को, तो एक आपका अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला ध्यान से देखो, और एक आपका एल्कोक्साइड वाला बन जाएगा, देखना एक बार। यस मैम। है ना? अच्छा अगर मान लो तुम ये वाला ब्रेक करवाते हो, ये वाला, तो क्या होगा आपको, ये मिलेगा, है ना, क्योंकि अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये क्या होगा, आ गया, ये देखो 3 हो गए ना, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होगा। मैं
अरे ध्यान से सुनना, बीआर ये मत सोचना मैम बीआर क्यों लिया, आप सिंपल एक्स ले लो, ठीक है? मेरे को आदत बीआर बीआर लिखने के, तो मैंने यहाँ पे बीआर लिख दिया था, देख रहे पा रहे हो? अगर तुम इस वाले से जाओगे तो यहाँ पे तो एल्कीन बनेगा, यहाँ पे इथर नहीं बनेगा, गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ से अगर तुम ये वाला बोन ब्रेक कराते हो सीओ का, तो यहाँ पे इथर नहीं बनेगा, बिकॉज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक साइड से तो बन रहा है ना, तो यानी कि जो पॉसिबिलिटी रहेगी, जो पॉसिबल हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा, सुटेबल एल्काइल हैलाइड, वो यहां से बनेगा, अब इथर बन जाएगा, देखो एक बार, हाँ या ना? तो इसमें इथर हम बना सकते हैं। सेकंड वाले में आओ, कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ दो, किसमें बता रही हो तुम चेतना? हाँ सी वाले में, तो ठीक बोल रहे हो तुम, अभी बी वाले देखो, यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? यही ब्रेक करना पड़ेगा, तो मेरे पास एक तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, मैं बी आर ले रही हूँ, ठीक है? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रोमिन होगा, कहीं तुम बोलो मैम क्यों ले लिया आपने, और एक ये होगा, बन सकता है आराम से, ठीक है? यस मैम, यहाँ से भी इधर बन जाएगा, इधर से आओ, सी बताती हूँ मैं, कहां से ब्रेक कराऊं? यहीं से करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने यहां से कराया तो भाई साहब एराइल हैलाइड बन जाएगा, तो नहीं बन पाएगा फिर इथर, तो तुम्हें यहीं से ब्रेक करवाना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा ध्यान से देखो, एक तो फिनोक्साइड आयन मिल जाएगा और एक आइसोप्रोपाइल मिल जाएगा हैलाइड, अब तुम करा दोगे, बोलो? यस मैम, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे ये क्या सेकेंडरी है ना, मिलेगा तो तुम्हें एल्कीन भी सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा, तो यहाँ पे इथर बन सकता है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तुम कहीं से भी ब्रेक करवा दो, देखो एक बार, हटा रही हूँ मैं ये सब कुछ, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखो अगर तुम मान लो यहाँ से हटा रहे हो, तो आपको ये मिल जाएगा एराइल हैलाइड, नहीं हो पाएगी ना रिएक्शन, नहीं हो पाएगी, ठीक है? अगर तुम यहां से हटा रहे हो, इधर देखो दूसरी साइड से ब्रेक करवा रहे हो, तो तुम्हें फिर यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, तो ना ही तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड SN2 देगा, और ना ही तुम्हारा फिर ये देगा जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे तुम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हो, हो जाएगा, देखना एक बार, समझ में आया? That is why C option is correct. Yes, ma'am. पक्का हो जाएगा? चलो. Yes, ma'am. जिसका नहीं हुआ एक बार घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे एक आप नोट करके लिखिए कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस शुड बी डिजाइंड इन अ सच ए वे दैट द लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय एल्काइल हैलाइड, बात ठीक है ना? And the more hindered alkyl group comes from the alkoxide ion. मतलब अगर आप चाहते हो एक अच्छी yield में तुम्हें ether मिले, तो make sure that the alkyl halide should be less sterically hindered या less bulky. ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो मैं तुम्हें questions करवाऊंगी, आपको वो करने हैं. एक बार लिख लो, फिर चलते हैं आगे. तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑप्शनल एमसीक्यू नहीं है ये, आपको ना चारों को ध्यान से देखना है और बताना है आपको कौन सा बेस्ट वे होगा इथर बनाने का, कौन सा आप एल्काइल हैलाइड लोगे एंड कौन सा आप अल्कोहल लोगे. ऑप्शनल मैं फिर बोलूँ, एमसीक्यू नहीं है, आपको सब में बनाने पड़ेंगे, कहीं पता चले ऑप्शनल समझो इसको. तुम्हारा इतनी जल्दी कैसे हो गया दोनों का, मुस्कान तनिष का? वो देखते पता चल, देख के पता चल रहा है. अच्छा, ज्यादा प्रो हो गए हो क्या तुम लोग? ठीक है, करो बाकी बच्चे, मजाक कर रही थी. देखो कौन सा सुटेबल एल्काइल हैलाइड. अच्छा, अभिषेक भी प्रो हो रखा है, ठीक है. दक्ष डिंपल, अरे क्या बात है,
हाँ दिख रहा है मेरे को, प्रो तो तुम सारे हो, दूसरे कामों में तो तुम बड़े प्रो हो, पढ़ाई में थोड़ा सा रह जाते हो तुम लोग, बाकी तो कुछ भी पूछ लो तुम लोगों से, मेरे से आगे हो तुम लोग, जेन जी हो तुम लोग, जेन जी, अल्फा जेन जी हो क्या? नहीं मैम, नो मैम, ठीक है, करो हैंड रेस करो। चलो जी, पीयूष बताएगा मेरे को ए में क्या लिया बेटा। पीयूष हैंड रेस किया था तुमने। मुस्कान बताना ए में कौन सा लिया, एल्काइल हैलाइड? राइट हैंड साइड वाला। राइट राइट, हाँ साइड वाला, क्योंकि ये क्या होगा आपका लेस बल्की होगा, मेरे को तो लिखना पड़ेगा, तुम ऐसे बोल सकते हो, और आपका जो अल्कोहल होगा फिर वो ये वाला होगा, ठीक है, एल्कोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट आइए अभिषेक, इसमें तुमने कौन सा लिया अल्काइल हैलाइड बी वाले में? मैम मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड मैम। ठीक है, और ये तुम्हारा एल्कोक्साइड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइड। तनिष्का सी में क्या लिया? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, ठीक है। CH3, CH2Br, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, समझ में आ रहा होगा आई होप सभी को, कर क्या रही हूं मैं, ठीक है, CH2, CH2, CH3। चलो नेक्स्ट वाला कौन बताने वाला है? पीयूष बताएगा क्या? चेतना, पीयूष है कोई? बताओ। वाला लेफ्ट वाला, ठीक है, तो एक बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड और एक बन जाएगा फिनोक्साइड। कितनी खुशी होगी ना तुम लोगों को जब तुम नीट के प्रीवियस ईयर देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आए हो, ठीक है, तो इस तरीके से सुटेबल आप एल्काइल हैलाइड ले लोगे और एल्कोहल। ये क्वेश्चन करो, ये एमसीक्यू है, अध्यक्ष हैंड रेस कर बेटा। तनिष्का, मुस्कान, अभिषेक, चेतना, मुस्कान, वेरी गुड, अंशिका करो, आयुष करो बेटा, पीयूष, शिखा एंड परिधि, वेरी गुड अंशिका। अंशिका क्या लग रहा है? मैम, ए लग रहा है शायद। सुटेबल कॉम्बिनेशन ना, एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, भाई ये तो बल्कि है, टर्शरी ले रहे हो तुम तो, इसको तो काटा मारो देखते ही, है ना, कौन सा लोगे? फोर्थ, मैम डी ऑप्शन, डी। क्योंकि दो मिथाइल हैं ये देखो और एक इथाइल है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऐसे मत करो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें से कौन सा प्रिपेयर नहीं कर सकते हो भाई साहब, बताइए। बाकी बच्चे हैंड रेस करो। चलो बताओ कौन सा होगा, कोई भी बता दो। थर्ड वाला, साइंस थर्ड ऑफ सी या ए? थर्ड मैम क्या थर्ड बोल रहे हो अभिषेक? सी हाँ सी, देखो किसी भी साइड से ब्रेक करा दो, है ना, तो तुम्हें एक तो ये वाला पार्ट मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा, ठीक है, तो ये एसएन टू तो नहीं देने का, ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाकी सब पॉसिबल है। ये वाला क्वेश्चन करो, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बस 1 मिनट और लूंगी, आज छोड़ दूंगी तुम्हें जल्दी। मैम, वैसे जो कंपाउंड्स हम विलियमसन सिंथेसिस में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या बोल रहे हो?
जो कंपाउंड्स हम विलियमसन सिंथेसिस में प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या वो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? अब देखो अब इन्होंने तो हम तो विलियमसन सिंथेसिस से कर रहे हैं ना ये वाले सारे रिएक्शन के, अल्काइल हैलाइड ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हो सकता है किसी और मेथड से वो इथर प्रिपेयर हो रखा हो कोई और कंडीशन देके। बट विलियमसन में हम क्या पढ़ रहे हैं वो आपको इस ये ध्यान रखना है कि अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, और क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, ये आपको देखना विलियमसन से। ओके ठीक है, बाकी हो सकता है किसी और मेथड से बनाया हो वो, कोई और कंडीशन प्रोवाइड करके। देखो अगर कंडीशन आप चेंज करते हो ना, ड्रास्टिक कंडीशन करते हो, तो कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। क्या लग रहा है इसमें से? थर्ड सी थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन, ये कर दो। एक काम चलो कर ही दो, एलाइल फिनाइल ईथर क्या होता है मैं बना देती हूँ। ये होता है एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर। देखो भाई किससे बनेगा ये? प्रिंस प्रिंस है क्या क्लास में? नहीं है। पलक, डिंपल, बताओ दक्ष क्या लग रहा है बेटा? बी, यस। क्योंकि देखो इसमें तो एराइल हेलाइड है नहीं देगा, ये देखो विनाइल हेलाइड है नहीं देगा, विनाइल हेलाइड है नहीं देगा, ये दे देगा। ठीक है, ये आया था 2014 में। ये वाला करो, अरे ये तो बताओ इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब तुम ना पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें चार्टर लगेंगे वर्चुअली। क्या होगा इसका आंसर? एल्कीन मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन ओके गुड, सारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं फिर। कल वाली क्लास में हम फिर, आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, कल वाली क्लास में हम रिएक्शंस देखेंगे ईथर की, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज किया है। ठीक है, तो कल ईथर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे जब भी हम मिलेंगे थर्सडे फ्राइडे में आपका एल्डिहाइड कीटोन में स्टार्ट करा दें। ठीक है, तो आज बेसिकली क्या किया तुम लोगों ने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर ये कर लेना, तुम लोग पढ़ लेना एक बार, रिवाइज ही करना, कुछ खास है नहीं इसमें। दूसरा डिस्टिंग्विश टेस्ट जो नए नए तुमने देखे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, सॉरी थैलिन डाई टेस्ट हो गया, लिवर में नाइट्रोसो हो गया। ठीक है, बस ये देखना है तुम। ठीक है, आरडीपीपी तुम्हें नहीं मिलेगी, डीपीपी तुम्हें अब ईथर वाला कराने के बाद एक डीपीपी मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़े ज्यादा डाल दूंगी, 30 के आसपास। कर लेना उसको आराम से फिर।